नमस्कार मित्रों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि न्यायालयी व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा वर्तमान समय में कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत संघ की जो है उच्चतम न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और जिले तथा अन्य स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम वर्तमान समय में, आधुनिक समय में और बाद में आने वाले कुछ न्यायालयी अन्य अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे, और इन अन्य अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम लोक अदालत, परिवार न्यायालय या परिवार अदालत, उपभोक्ता अदालत, ई अदालत और मोबाइल अदालत, इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली हम लेक्चर भी इस चीज़ को इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि वर्तमान समय में मुख्य परीक्षा में, जैसा कि जानकारी है कि UPSC के साथ साथ UPSC और दोनों ही परीक्षाओं में मेंस के स्तर पर भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और वहाँ पर टिप्पणी में 75 शब्दों के साथ साथ 150 शब्दों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर अपने उत्तर को कंसाइज करने के लिए आपको कुछ सहायक जो टॉपिक हैं उनके बारे में भी एक अवधारणात्मक समझ का होना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, चाहे फैक्ट्स हैं एंड या कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोक अदालत को देखने का प्रयास करते हैं। लोक अदालत यानी कि वर्तमान समय में जो हमारे संस्थागत न्यायालयी ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पर मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उन मुकदमों की सुनवाई काफ़ी लंबे समय तक खींचती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ ऐसे अवधारणाएँ आई हैं न्यायालय का, जिससे कि उन मुकदमों को समय से सुनवाई किया जा सके और उस पर निर्णय दिया जा सके तथा संबंधित पक्षों को न्याय दिया जाना संभव हो सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में सबसे पहली बार 1982 ईस्वी में लोक अदालत की जो है स्थापना की गई थी। यद्यपि इसकी स्थापना जो है औपचारिक रूप से 1985 ईस्वी में दिल्ली में जो है माना जाता है कि पहला लोक अदालत 1985 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित की गई, और यहां पर जो है पी एन भगवती के जो है अध्यक्षता में जो है यहां पर 1985 ईस्वी में दिल्ली में 1985 ईस्वी में दिल्ली में जो है पहली बार लोक अदालत औपचारिक रूप से, लिखित रूप से, तथ्यात्मक रूप से स्थापित की गई। सबसे पहली बार जो 1982 ईस्वी में ही यह प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 1985 ईस्वी में दिल्ली में पीएम भगवती की अध्यक्षता में लोक अदालत की स्थापना की गई थी। और एक 1987 ईस्वी में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जो इसी तरीके से कानून व्यवस्था से, न्याय से संबंधित है। और इसके आने के बाद ये जो लोक अदालतों की व्यवस्था है, इसे बहुत ही विस्तृत रूप मिला और इसे विस्तृत रूप में जो है ढांचेगत रूप में स्थापित किया गया, और बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को समय से निपटारा करने के लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई। लोक अदालतें 2002 ईस्वी तक अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, और 2002 ईस्वी में इसे कानून बना करके जो है अस्थायी कर दिया गया। लोक अदालतों की जो है अस्थायी व्यवस्था हो गई। तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों ने एक ढांचा देखा, क्रमागत एक उसका विकास देखा कि 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1985 ईस्वी में इसको औपचारिक रूप से पीएन भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में स्थापित किया गया, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसे व्यापक आधार दिया गया, अन्य स्थानों पर ढांचागत रूप में लोक अदालतों की स्थापना की गई ताकि बढ़ते हुए मुकदमों की समय से सुनवाई हो सके, उस पर निर्णय आ सके और संबंधित पक्षों को न्याय दिया जाना संभव हो सके। तो ये व्यवस्था थी लोक अदालतों के माध्यम से, जिसे 2002 ईस्वी में अस्थायी करने का जो है कार्य और प्रयास भी किया गया। तो ये थी व्यवस्था लोक अदालतों के जो है एक स्थापना और उसके ढांचे के जो है संदर्भ में एक क्रमागत प्रयास। अब हम लोक अदालतों में किस तरीके से लोग बैठते हैं, न्यायाधीशों की क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो लोक अदालतों में एक जो है न्यायाधीश प्लस दो अन्य जो है लोग होते हैं,
और ये अन्य दोनों कोई जरूरी नहीं है कि ये न्यायविधि हो, न्यायाधीश ही हो, न्यायमूर्ति ही हो, बल्कि ये जो है कोई प्रशासक या कोई सामाजिक क्षेत्र का अच्छा ज्ञाता या विधि विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो अन्य लोगों के माध्यम से इस न्यायालय का एक औपचारिक ढांचा बनता है और इसमें जो मुकदमे सुनवाई के लिए रखे जाते हैं वे पारिवारिक हो सकते हैं, भूमि संबंधी विवाद हो सकते हैं, संपत्ति के संदर्भ में विवाद हो सकते हैं, यानी कि भूमि के संदर्भ में संपत्ति, भूमि के संदर्भ में संपत्ति के संदर्भ में और पारिवारिक जो है ये हो सकते हैं। भूमि संपत्ति और पारिवारिक संदर्भ में मुकदमे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें लोक अदालतों के संदर्भ में लाया जा सकता है। सुनवाई का जो नेचर होता है वो बेसिकली ये औपचारिक न्यायालय जो संस्थागत हमारे ढांचे हैं उससे पृथक ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर लोग अपने मुकदमे की स्वयं पैरवी कर सकते हैं, स्वयं पैरवी जो है करते हैं। इसमें जो सुनवाई की जो प्रक्रिया होती है और निर्णय देने की के आधार होते हैं वो आम सहमति होता है। आम सहमति के आधार पर यहाँ पर निर्णय दिए जाते हैं, सुलह समझौते और आम सहमति के आधार पर इसके निर्णय दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस अदालत को जो है सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करने का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। सिविल न्यायालय के रूप में यह जो है न्यायालय काम करता है, सिविल न्यायालय के रूप में इसे दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर अपील की बात किया जाए तो इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अपील की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह संस्थागत न्यायालय ढांचे से पृथक एक व्यवस्था है और यहाँ पर निर्णय जो है आम सहमति, सुलह और समझौते के आधार पर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर लोक अदालतों के संदर्भ में क्वेश्चन ये आता है कि लोक अदालतों पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको लगभग इतनी चीज़ें अपने उत्तर में कवर करने का प्रयास करना होगा। पहले आप उसके पृष्ठभूमि के रूप में बताएंगे कि वर्तमान समय में हमारे संस्थागत न्यायालय ढांचे के अंतर्गत मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, जिससे पीड़ित पक्ष को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में लोक अदालतों की अवधारणा का उदय हुआ। सबसे पहली बार 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, लेकिन औपचारिक रूप से 1985 ईस्वी में दिल्ली में लोक अदालतों की स्थापना पीएन भगवती के नेतृत्व और अध्यक्षता में किया गया और 1987 ईस्वी में विधिक सेवा प्राधिकरण के आने के बाद इसको व्यापक आधार मिला। 2002 ईस्वी में इसे अस्थायीकरण कर दिया गया और इसके अंतर्गत जो सुनवाई होती है 1+2 के कांसेप्ट पर, यानी कि एक न्यायाधीश और दो अन्य लोग होते हैं जो कानून के जानकार होते हैं, समाज के जानकार होते हैं, प्रशासन के जानकार होते हैं, जिनसे यह अपेक्षा किया जा सकता है कि वो विभिन्न प्रकार के मुद्दों के संदर्भ में अपना निष्पक्ष जो है पक्ष रखेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय देने का कार्य करेंगे, जिसमें भूमि संपत्ति और परिवार से संबंधित जो मुकदमे लाए जा सकते हैं। इसमें पैरवी स्वयं किया जाता है, आम सहमति के आधार पर निर्णय होते हैं, सिविल न्यायालय के बराबर उसको शक्ति प्राप्त होती है और अपील की जो है यहाँ की व्यवस्था नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम सहमति के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में न्यायालय के कुछ अन्य अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोक अदालत के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा किए हैं। और अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिहाज से, जैसा कि मुख्य परीक्षा में मैंने बताया कि यहाँ पे टिप्पणी से संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते हैं, तो उसी के क्रम में जो है न्यायालय पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यानी कि परिवार के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए जो कि हमारे औपचारिक न्यायालय ढांचा है उससे पृथक जो न्यायालय बनाए गए हैं और वहां पर मुकदमे सुनवाई किए जाते हैं, निर्णय दिए जाते हैं, उसे परिवार न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और 1984 संसद के द्वारा कानून बना करके परिवार न्यायालय की स्थापना किया गया। 1984 ईस्वी में संसद के द्वारा कानून बना करके परिवार न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे कि परिवार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई, चूंकि यहाँ पर परिवार न्यायालय, इसलिए यहाँ पे जो विषय होंगे विवाद के और सुनवाई के वो लिमिटेड हैं, यानी कि परिवार से ही संबंधित होना चाहिए। खैर, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि इस संबंधित मैटर को किस प्रकार के मुकदमों पर यहाँ पे लाया जा सकता है।
तो 1984 ईस्वी में बनाया गया और 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में इसकी स्थापना, इसकी जो है व्यवस्था परिवार न्यायालय की गई है। खैर अन्य जो अन्य शहर हैं वहां पर भी जो है संसद के द्वारा नियम बना करके जो है यहाँ पे न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। और अगर राज्यों में बात किया जाए तो राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से भी जो है परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परिवार न्यायालय की परिभाषा के साथ साथ परिवार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए भारत में औपचारिक न्यायालयी ढांचे से पृथक जो न्याय की व्यवस्था की गई वो परिवार न्यायालय के रूप में जाना जाता है। संसद द्वारा 1984 में विधि बना करके इस न्यायालय की स्थापना की गई। 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में इसकी जो है स्थापना किया जाएगा। यद्यपि अन्य राज्यों अन्य शहरों के संदर्भ में संसद कानून बना करके वहां पर न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है, और यदि राज्यों में इसकी स्थापना है तो वहां पर संबंधित हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय से परामर्श के द्वारा उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था यहां पर उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवार न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। तो यह एक जो है ढांचा है। इसके अंतर्गत जो न्यायालय का ढांचा बनता है वो 1+1 के कांसेप्ट पर बनता है। एक जो है न्यायाधीश होंगे जिनकी अध्यक्षता बनेगी, एक अन्य वहां पर सामाजिक पारिवारिक प्रशासनिक विषयों के बारे में जानकार व्यक्ति को रखा जाता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश की अध्यक्षता दिया जाता है जिनको 7 वर्ष का जो न्यायिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर परिवार यानी कि जो है पति पत्नी, पति और जो है पत्नी के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों और जो है बच्चे के संदर्भ में हर्जाना या बच्चे के संदर्भ में कोई क्षतिपूर्ति, इस तरीके के जो है मुकदमे की सुनवाई यहाँ पर लाया जा सकता है। कुल मिलाकर के परिवार से संबंधित या परिवार के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले जो भी मामले होंगे, जो भी विषय होंगे, जो भी मुकदमे होंगे वो यहाँ पे लाए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो सुनवाई की जो व्यवस्था है वो स्वयं पैरवी यहाँ पर भी जो है करने होते हैं, और जिस तरीके से पूर्व लोक अदालतों में किया जाता था वैसे ही और यहाँ पर भी जो है आम सहमति को ही ध्यान में रखा गया है। आम सहमति से जो है यहाँ पर मुकदमों में निर्णय दिया जाता है जिससे कि दोनों पक्ष जो है सहमत हों। और इसे जो है जिला अदालत के रूप में अगर इसे देखा जाए तो इसे जिला अदालत के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। जिला अदालत के रूप में यह न्यायालय काम करता है। कौन सा न्यायालय? परिवार जो है न्यायालय जिला अदालत के रूप में काम करता है। इसके निर्णय के विरुद्ध जो है अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय में जाने की व्यवस्था होती है। अपील के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये उच्च न्यायालय में जो है इसके निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, क्योंकि 1984 ईस्वी में संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत इन अदालतों की परिवार न्यायालय की कुटुंब न्यायालय जिसे भी कहा जाता है की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से यह जो है परिवार न्यायालय का एक जो है ढांचा आप लोगों को दिखाई पड़ता है। यह अन्य न्यायालय ढांचे के अंतर्गत दूसरा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक और न्यायालय का जो है प्रकार था जिसे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा में शामिल किया। अगला है उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय किया जाता है तो क्रय करने वाला व्यक्ति उसका उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता के हित का संरक्षण करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के शोषण से उसको बचाने के लिए जहां पर विवादों की सुनवाई की जाती है वह उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना का जो आधार है वह 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है। 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो यही मैंने बताया कि
इसका जो उद्देश्य है वो यही बताया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना तथा उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके, इसके लिए उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करना और उस पर न्याय प्रदान करना है। ये जो है उपभोक्ता न्यायालय का है और जिसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में किया गया है। एक तो जिला उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता जो है फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम है, और दूसरा जो है वो राज्य उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना किया गया है, और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण प्राधिकरण। तो इस तरीके से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः जो है जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग या निस्तारण फोरम की स्थापना की गई है। और ये तीनों स्तर पर इनका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा, ये दोनों ही है चीजें, वस्तु के संदर्भ में और सेवा के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं के लिए ये अदालतें स्थापित की गई हैं, और इनका किसी भी प्रकार के शोषण ना हो सके, उपभोक्ताओं का उससे उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करने का काम इनका होता है। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय और राज्य उपभोक्ता फोरम के निर्णय के जो विरुद्ध जो है अपील करने का प्रावधान किया गया है, और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण की जो व्यवस्था है वो दो प्रकार से काम करता है। एक तो प्रारंभिक रूप में और दूसरा जो है अपीलीय रूप में। यहां पर प्रारंभिक रूप में तभी जाया जा सकता है जब किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य जिसके संदर्भ में विवाद उत्पन्न हुआ है उसका मूल्य 1 करोड़ रुपए हो, वन जो है 1 करोड़ रुपए हो, तभी यहां पर प्रारंभिक रूप में उससे संबंधित मुकदमों को लाया जा सकता है। यदि हम अपील में जाते हैं तो अपील के लिए जो है इसकी जरूरत है कि राज्य उपभोक्ता आयोग उस पर पूर्व में निर्णय दिया हो तो उसके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है यहां पे किया जा सकता है। तो राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय दोनों ही क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की गई है, और यहां पर जो अपील किया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण व्यवस्था के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि लोक अदालतों में अपील नहीं था, परिवार न्यायालय में हाई कोर्ट था और उपभोक्ता न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट था। तो एक इसका क्रम है याद करने का कि पहले में कुछ नहीं है, परिवार न्यायालय में जो है ये हाई कोर्ट तक जाया जा सकता है, उपभोक्ता न्यायालय, अच्छा चूंकि उपभोक्ता न्यायालय में इसलिए जो है हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वहां पे विवाद निस्तारण की व्यवस्था पहले से ही है, तो राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था के विरुद्ध हाई कोर्ट में जाया जाए तो ये अपने आप में एक जो है अटपटी सी व्यवस्था लगती है। इसलिए यहां पर यह व्यवस्था बनाई गई है कि यदि राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था, कोई व्यवस्था, कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम हमारे पास है तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो है हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, न्याय प्रदान करने हेतु जो हमारी एक ढांचा बनाया गया है न्यायालय, उसे उपभोक्ता न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है जहां पर उपभोक्ताओं के वस्तु एवं सेवा के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए सुनवाई किया जाता है, और निचले स्तर से ऊपर के स्तर पर अपील किया जा सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण में अपीलीय और प्रारंभिक दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, और इसके निर्णय के विरुद्ध जो हम सुप्रीम कोर्ट में
जा सकते हैं। तो ये रही जो है उपभोक्ता न्यायालय के संदर्भ में एक ढांचा और संस्थागत व्यवस्था। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ई अदालत। एक जो व्यवस्था है ई अदालत का, ई वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की, चाहे ई गवर्नेंस हो या ई ऑफिस हो, ई फाइलिंग हो, उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है ई अदालत, ई कोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट। हमेशा कहीं पर भी है ई शब्द, इलेक्ट्रॉनिक शब्द आ रहा हो तो वहां पर इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में काम करना, दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को सेवा देना, ये सारी चीजें ई के कॉन्सेप्ट में आती हैं। तो उसी तरीके से कोर्ट की जो व्यवस्था है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थानों पर उपस्थित लोगों से उनकी दलीलें सुनना और सुनवाई के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस पर निर्णय देना, ई कोर्ट के रूप में जाना जाता है, वो ई कोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के ई कोर्ट का तात्पर्य हो गया कि मान लीजिए दिल्ली में जो है न्यायाधीश बैठे हुए हैं और उसमें संबंधित जो पक्षकार हैं, हो सकता है कि वो लखनऊ और जालंधर में हों, तो वहाँ से उनको कनेक्ट किया जाएगा और वो कनेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था पंजाब में है, एक लोग कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही सिस्टम है, एक जाने का सिस्टम है, एक आने का सिस्टम है। इसी तरीके से एक व्यक्ति जो है यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी दोनों तरीके से सिस्टम है। यहाँ पे जो है जज बैठे होंगे जो कि मैटर की सुनवाई कर रहे हैं, यहाँ से लोग अपने पक्षों को रखेंगे और इन पक्षों की सुनवाई करने के बाद वो निर्णय देंगे। तो ये व्यवस्था जो है ई कोर्ट के अंतर्गत जो है आता है। ई कोर्ट का अगर ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो 2003 ईस्वी में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी व्यक्ति को जो कि साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या गवाही देने के संदर्भ में उसकी भूमिका उस मुकदमे की सुनवाई के संदर्भ में हो सकता है, यदि उसको न्यायालय में लाने में बहुत ज्यादा समय शक्ति संसाधन को खर्च करना पड़ रहा है तो क्यों ना उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ दिया जाए और उसकी बातें वहीं से सुन लिया जाए। तो इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय ही ई अदालत का जो आधार बना और उसके बाद से ई अदालत का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आया। और 2020 में अगर देखा जाए और 2021 में, तो इस दौरान भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में COVID-19 का जो है असर रहा, जिससे आवागमन में समस्याएं उत्पन्न हुई, एक शारीरिक स्तर पर दूरी को मेंटेन करने की जरूरत महसूस की गई ताकि इस प्रकार के महामारी से लोगों को बचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ई कोर्ट की अवधारणा बहुत ही व्यापक और लोकप्रिय ढंग से उभर करके सामने आई और ई कोर्ट का सहारा लेते हुए विभिन्न प्रकार के मामलों में जो जरूरी मामले थे उस पर निर्णय दिया गया, सुनवाई किया गया। तो इस तरीके से ई कोर्ट एक ऐसी न्यायालय व्यवस्था है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर उपस्थित पक्षों से उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं और पीड़ित पक्षों को न्याय प्रदान करने का काम किया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2003 में रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी भी साक्ष्य को देने के लिए, गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को लाने में समय, शक्ति और संसाधन बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं तो उसे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से जो है ई अदालत का कॉन्सेप्ट जो है प्रारंभ होता है। और COVID-19 के दौरान इसके जो है उपयोग की संभावनाएं और व्यापक हुई, क्योंकि वहाँ पे शारीरिक स्तर पर दूरी मेंटेन करने के लिए जो है यात्राएं बंद कर दी गई और अदालतें इस आधार पर सुनवाई करने का काम प्रारंभ किया। तो ये व्यवस्था रही ई कोर्ट के अंतर्गत। अभी हम अगला टॉपिक देखेंगे, मोबाइल अदालत का तात्पर्य जैसे मोबाइल लोग चलाते हैं उस मोबाइल से नहीं है, मोबाइल का तात्पर्य यहां पे गतिशीलता से है। जैसे कहते हैं कि मोबाइलिटी, गतिशीलता होती है किसी में। तो कहने का तात्पर्य एक ऐसी अदालत की व्यवस्था, एक ऐसी गतिशील अदालतीय ढांचा जिसमें जज और वकील तथा न्यायालय के अन्य ढांचागत व्यवस्थाएं
स्वयं अपने टारगेट पॉइंट यानी कि अपने गंतव्य स्थल पर जाती हैं, जहां पर उपस्थित पीड़ित पक्षों के मुकदमों की सुनवाई की जाती है और उस पर निर्णय दिया जाता है, तो यह संपूर्ण जो ढांचा और विधा है न्याय की, वह मोबाइल अदालत के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक ऐसा वैन विकसित किया जाता है, जैसे हमारा एम्बुलेंस सिस्टम होता है, तो इसी तरीके से एक ऐसा ढांचा बनाया जाता है वैन की, जिसमें जज होंगे और न्यायालय के अन्य जरूरी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, ढांचे होते हैं, और वो स्वयं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या जो है दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर जो भी मैटर्स आए होते हैं, मुकदमे होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और उनको वहां उनके दरवाजे पर न्याय देते हैं, जिसे पहिए पर जो है न्याय या न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह संपूर्ण व्यवस्था मोबाइल अदालत के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 2007 ईस्वी में, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 2007 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में जो है पहली बार जो है हरियाणा के मेवात में पहली बार इसकी स्थापना किया गया था। मोबाइल अदालत की व्यवस्था 2007 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में पहली बार किया गया है। और भारत में मोबाइल अदालत का जनक जो है APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। APJ अब्दुल कलाम को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को न्याय देने में आसानी, सुविधा और तीव्र गति से निस्तारण करने में जो है प्रयोग में लाने के लिए समर्थन किया। और इन्हीं सभी प्रयासों के कारण से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मोबाइल न्यायालय का जनक भी माना जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने न्यायालय के कुछ अन्य अवधारणाओं के बारे में देखा। अगर इसके जो है महत्व को लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो औपचारिक न्यायालयी ढांचे हैं वहां पर मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। एक पॉइंट हो गया, वहां पर मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए जो है ऐसे जो है वैकल्पिक न्यायालय व्यवस्थाएं बनाई गई, जिससे कि तीव्र गति से मुकदमों की सुनवाई किया जाना संभव हो सके। और यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट यह है कि ये न्यायालय व्यवस्थाएं अत्यंत ही जो है खर्चीली होती हैं, जिसका वहन साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जिनके माध्यम से ये उम्मीद किया जाना संभव है कि पीड़ित पक्षों को यहाँ पे न्याय मिल सकेगा। लेकिन इसमें अगर अभी जो आलोचनाएं हैं इसकी, जो अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है, अगर उसमें देखा जाए तो इसमें ये ड्रॉबैक है कि मुकदमे जो होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, वो दो पक्षों में असहमति के कारण से होता है। जबकि ये सारे अदालत की जो व्यवस्थाएं हैं वो अगर देखा जाए, विशेष करके पहले और दूसरे के संदर्भ में, तो आम सहमति के आधार पर देते हैं। अगर आम सहमति की संभावनाएं होती तो विवाद ही क्यों उत्पन्न होता। इसलिए यहाँ पर लोक अदालत और परिवार अदालत की और व्यवस्थाएं जो है वो बड़े मुकदमों के संदर्भ में अपना निर्णय नहीं दे पाती हैं और वहाँ पर संबंधित पक्षकार संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए ये कुछ समस्याएं हैं जो कि अदालतों के संदर्भ में रही हैं। लेकिन इसमें ये भी ध्यान में रखना है और निष्कर्ष के रूप में लिखना है कि वर्तमान समय में शिक्षा का जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है और लोग जागरूक होते हुए जा रहे हैं, और इस तरीके से विवादों के रूप में उत्पन्न होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो आने वाले समय में विवाद कम हो, इसलिए वे ऐसे वैकल्पिक स्थानों पर जाना पसंद करेंगे और वहां से अपने मुकदमों का जो है, अपने मामलों का सुनवाई के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित होंगे। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने न्याय की कुछ अन्य अवधारणाओं और विधाओं के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है औपचारिक परंपरागत न्यायालयी ढांचे के साथ साथ इसके बारे में एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी, जिससे न केवल मुख्य परीक्षा में बल्कि प्रारंभिक और साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवालों का आप आसानी से जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। पुनः नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।